केजरीवाल और कुमार विश्वास के बीच बढ़ती दूरियों की झलक कल केजरीवाल की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में भी दिखी। इफ्तार पार्टी में आपके तमाम दिग्गज पहुंचे थे, लेकिन कुमार विश्वास महफिल से नदारद रहे। कुमार विश्वास से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि बिना निमंत्रण के मैं वहां कैसे जाता। केजरीवाल के इस आरोप का केजरीवाल खेमे की तरफ से दिलचस्प जवाब आया है। केजरीवाल की इफ्तार पार्टी में वो सब कुछ था जो वहां होना चाहिए, बस एक अदद विश्वास की कमी सबको अखर गई। केजरीवाल के तमाम सहयोगी इफ्तार पार्टी में मौजूद थे, लेकिन वहीं कुमार विश्वास नदारद रहे, जो गुजरे जमाने में केजरीवाल के सबसे करीबी माने जाते थे। कुमार विश्वास से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि अभी उनके दिन इतने खराब नहीं कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। मुझे दो वर्षों में जब बुलाया गया था तो मैं जरूर गया। इफ्तार बड़ा पवित्र अवसर होता है, आप उसमें अगर बैठते हैं तो सबको सवाब हासिल होता है। मैं सबको शुभकामना देता हूं। इस वर्ष नहीं बुलाया गया है तो मैं नहीं जा रहा हूं। ये दिल्ली सरकार का विशेषाधिकार है। विश्वास के इस आरोप की खबर केजरीवाल खेमे तक पहुंची तो इफ्तार पार्टी का आयोजन करने वाले माजिद देवबंदी ने कुमार विश्वास को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। कुमार भाई जैसे हैं वो तो हमारे सरपरस्त हैं। हम लोगों ने बाकायदा स्पीड पोस्ट से भेजा है कि कभी कभी ये होता है जनरल डायरेक्टर नहीं पहुंचता। हमारे पास सबूत है जो हमने स्पीड पोस्ट से भेजा है। किसके दावे में कितना दम है इसका तो पता नहीं, लेकिन केजरीवाल की इफ्तार पार्टी से जिस तरह कुमार विश्वास दूर रहे उससे एक बात तो साफ हो गई है कि दोनों के बीच मतभेद मनभेद की सीमा तक पहुँच चुका है। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।